तो मध्य प्रदेश पटवारी में आई है नई खबर। जो फर्जी यूट्यूब वीडियोस बनाए गए हैं रिस्पॉन्स शीट के लिए, तो उनके खिलाफ पीबी करेगा साइबर क्राइम। और क्या होती है रिस्पॉन्स शीट, इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरु जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आपको कोई क्वेरी प्रॉब्लम सुझाव देना तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से दे सकते हैं। और दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में जानकारी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो दोस्तों अब मैं ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट खबर पर। तो दोस्तों देखिए दैनिक भास्कर के डीबी स्टार में ग्वालियर यानी 9 तारीख की फ्राइडे की आज की खबर है। तो यूट्यूब के खिलाफ साइबर क्राइम जाएगा पीईबी। तो दोस्तों अब देखिए पूरी खबर के बारे में पढ़ लेते हैं। पटवारी परीक्षा की फर्जी रिस्पॉन्स शीट से लाखों आवेदक है परेशान। 10 लाख से अधिक आवेदकों वाली पटवारी भर्ती परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट यूट्यूब पर जारी होने से लाखों आवेदक परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन्हें फर्जी बता रहा है। बोर्ड ऑफ साइबर ठगों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में कार्रवाई का आवेदन देने जा रहा है। इस समय यूट्यूब पर बोर्ड की हूबहू रिस्पॉन्स शीट जैसी शीट अपलोड कर वीडियो में नंबर व सिलेक्शन चेक करने का तरीका बताया जा रहा है। इन वीडियो पर लाखों हिट आ रहे हैं। अब देखिए क्या होती है रिस्पॉन्स शीट इसके बारे में दोस्तों। तो देखिए रिस्पॉन्स शीट पीबी द्वारा रिस्पॉन्स शीट रिजल्ट घोषित होने के बाद जारी की जाती है। इसमें गलत उत्तर को हटाने के बाद मार्किंग कर सही नंबर अपलोड किए जाते हैं। इसमें पूरा प्रश्न पत्र व आंसर शीट में देखा जा सकता है। रिस्पॉन्स शीट में आवेदक की सभी जानकारी रहती है। तो ये होती है रिस्पॉन्स शीट। अब दूसरे पेज पर पढ़ लेते हैं क्या खबर थी। तो दूसरे पेज पर दोस्तों आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके 10 लाख से अधिक आवेदकों ने दी है पटवारी भर्ती परीक्षा। और इसमें देखिए AKS भदौरिया जी क्या कह रहे हैं। पीबी ने पटवारी परीक्षा की कोई रिस्पॉन्स शीट अपलोड नहीं की है। इस मामले की जांच के लिए हमने कमेटी गठित कर दी है। रिस्पॉन्स शीट अपलोड करने वाले का पता लगाकर हम उसके खिलाफ FIR कराएंगे। इस संबंध में हमने कोर्ट में भी KVAT लगाई है। और ये सभी आवेदक कह रहे हैं यूट्यूब पर जो रिस्पॉन्स शीट अपलोड की गई है वह पीबी की नहीं है। नाम, रोल नंबर व डेट ऑफ बर्थ अपलोड करते ही अंक सामने आ रहे हैं। हमारे मार्क्स ऑनलाइन आंकलन से कम हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ये रिस्पॉन्स शीट पीबी के ऑफिस से बाहर कैसे आई। तो अब देखिए दोस्तों जल्द से जल्द इसका फैसला हो जाएगा और आपके सामने मैं सही जानकारी जरूर लूँगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें और ऐसे ही न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।